टू सीक्रेट ऑफ माई किचन, मैं शाइना शेख आज बना रही हूँ चिकन मलाई टिक्का। आपको लगेगा बोनलेस चिकन, बाइट साइज लेना है, चॉप करा हुआ कोथमीर, चाट मसाला, पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाइम और ये ग्रेट करके लेना है, चीज़, दही और फ्रेश क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, नमक और तेल। पहले एक बड़ा बाउल लेना है और उसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर उसमें गरम मसाला पाउडर, पेपर पाउडर, चाट मसाला पाउडर और कोथमीर कटी हुई डालेंगे, फ्रेश क्रीम और दही, लाइम जूस, अब इसमें चीज ग्रेट करके डालेंगे। हाथ अच्छे से धो लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको कम से कम 4 से 5 घंटा मैरिनेट करना या ओवरनाइट रखना। मैं इसको ओवरनाइट रखूंगी। ये जितना अच्छा मैरिनेट होएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और दही को पहले से आप छन्नी पे डाल के हंग कर देना ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये बैटर वाटरी नहीं हो। अभी इसमें नमक ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अभी कोयले का स्मोक देंगे इसमें और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे थोड़ा तेल डाल के। इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और इस टाइम पे नमक चेक कर लेंगे। अगर आपका ये बैटर थोड़ा वाटरी है तो इसमें थोड़ा सा मैदा आप ऐड करना, मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये सही है एकदम। इसको ये स्क्यूएज में डालूंगी। तो आप ओवन में भी बना सकते हैं और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँ। तो मैं पहले पैन लूंगी और हल्का सा तेल डालूंगी। और एक एक करके स्टिक ऐड करूंगी। मीडियम गैस पे आपको कुक करना है जब तक अच्छे से कुक नहीं हो जाता। अभी इसको धीरे धीरे करके फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड से भी पकाएंगे। अभी गैस बंद कर दूंगी मैं और प्लेटिंग करके आपको बताती हूँ। मेरी रेसिपी बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और माउथ मेल्टिंग है। आप एक बार मेरे कहने पे इसको बना के तो देखिए, दिल से दुआ दोगे मुझे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। टेक केयर, बाय।